नमस्कार, कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। तो देखिए, बिहार में इस वक्त बीपीएससी की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच इस परीक्षा को लेकर के अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एक पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि बिहारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा जीतनराम मांझी ने अपने पोस्ट में, आपको बताते हैं। जीतनराम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जहां उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने साबित कर दिया है कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने जेडीयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सीधे तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि फूलपुर की लालच में बिहारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अन्य राज्य के छात्रों को मौका दिया जा रहा है कि वो बिहार में आयोजित परीक्षा में भर्ती ले और अपनी नौकरी जो है वो बिहार में पक्की करें। यानी कि जेडीयू जो है वो अपनी पार्टी को विस्तार करना चाहती है और इसी विस्तार के आड़ में वो बिहार के भविष्य के साथ खेल रही है, बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है। तो सीधे तौर पर जीतनराम मांझी ने ये सारी बातें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से शेयर की है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले भी जीतनराम मांझी ने एक बात कही थी, रविवार को उन्होंने बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि इस परीक्षा में यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली का उन्होंने आरोप लगाया था और ये भी कहा गया था कि इस परीक्षा की जांच हो, तो ये भी कहना था जीतनराम मांझी का। और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा था कि 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बंटने वाली है वो भी गलत है। साफ तौर पर यहाँ पर जीतनराम मांझी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उस पर सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर के जो बिहार की राजनीति भी है वो गर्मा गई है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं इस खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की खबरों से अपडेट रहने के लिए कशिश न्यूज के साथ बने रहे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।